बच्चों बच्चों मैंने आपको लाइव क्लास में वाक्य और उसके भेद करवाए थे। आप लोग नहीं थे तो इसलिए आप वीडियो से समझ लीजिए। वाक्य के भेद। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ेंगे 10th क्लास में। इस बार 9th में आपके सिलेबस में है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला है विधानवाचक, ये मैंने आपको 8th क्लास में भी पढ़ाया था। विधानवाचक कौन से वाक्य होते हैं? जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जो सिंपल सी बात कही गई हो, ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, सिंपल सी बात है, मोहन कुछ भी, मोहन कार चलाता है, सिंपल सी बात है। तो कोई भी सिंपल सेंटेंस जो होगा वो विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। देखो उदाहरण देख लो, अक्षत विद्यालय जा रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये दोनों जो होंगे विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा निषेधवाचक। निषेधवाचक मतलब मना करना, जिसमें ना, मत, नहीं आदि आएगा वो निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। पहला है निषेधवाचक, पहला तो हमने विधानवाचक किया, दूसरा है निषेधवाचक। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का निषेध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, मतलब मना किया जाए। उदाहरण देख लेते हैं, धूप में मत घूमो, हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे, वह कल विद्यालय नहीं आएगा, ठीक है, ये सारे क्या होंगे? निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक कौन से होंगे? जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, विनय या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, मतलब जिसमें आज्ञा मांगी जाए, अनुमति मांगी जाए या किसी से रिक्वेस्ट या विनय की जाए तो उसे कहते हैं आज्ञावाचक। जैसे मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए, तो हम क्या ले रहे हैं? आज्ञा मांग रहे हैं, आप अंदर बैठ जाइए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अंदर बैठ जाइए, ठीक है, अनुरोध कर रहे हैं, तो ये होंगे आज्ञावाचक वाक्य। तीसरे हैं, चौथे हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य सभी को पता है, जिसमें प्रश्न किया जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न किया या पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए, आपको किससे मिलना है, तुम कहाँ जा रहे हो, वह कब आएगा, ये सब क्या होंगे? प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। नेक्स्ट है बच्चों इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, कामना, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, मतलब किसी के लिए अच्छा सोचना या अच्छी इच्छा रखना। जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, ईश्वर हमेशा तुम्हें खुश रखे, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है संदेहवाचक। संदेह नाम से पता चल रहा है, जिसमें डाउट हो, कोई भी संदेह हो, जिस वाक्य में संदेह या संभावना हो, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसे हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। लगता है आज बारिश होगी, लगता है, हमें कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी, होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट है शायद आज हम पिकनिक पर जाएं, शायद है, मतलब कंफर्म नहीं है कि जाएंगे ही जाएंगे, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, तो जिसमें संदेह हो उसमें संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है संकेतवाचक। बच्चों संकेतवाचक मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, मतलब ये आश्रित वाक्य होते हैं, एक वाक्य तभी पूरा होगा जब दूसरा भी साथ में होगा। जैसे यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगी, अगर मैं इतना ही लिख दूं यदि उसने मुझे बुलाया तो ये वाक्य पूरा नहीं कहलाएगा जब तक कि मैं इसमें आगे का वाक्य ना जोड़ूं, तो मैं जरूर जाऊंगी, यदि बांध ना टूटता तो बाढ़ नहीं आती, यानी कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, इनको कहेंगे हम संकेतवाचक वाक्य। लास्ट है विस्मयादिवाचक। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का बोध हो उन्हें विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। हाय मैं तो लुट गया, उफ कितनी गर्मी है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ये सब जो आएंगे, इसकी पहचान सिंपल है, इसमें एक्सक्लेमेशन साइन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो हमारे वाक्य के कितने भेद हो गए? पहला हमने किया था विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां संकेतवाचक और आठवां विस्मयादिवाचक।
यानी कि आठ प्रकार के भेद होते हैं, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। नाइन्थ क्लास में हमारा जो सिलेबस में है वो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद ही है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर, ठीक है। तो आपको ये सारा का सारा अपनी ग्रामर नोटबुक में काम करना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एक्सरसाइज भेजूंगी, तो आपको वो पहचान आनी चाहिए, आप वाक्य देख के पहचानेंगे कि इसमें कौन सा वाक्य है, ठीक है बच्चों। आज आपको इतना ही वर्क करना है और कल शाम को 3 बजे तक ये वर्क आपको सबमिट करना है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।